था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो हेलो आप फ्रेंड, सभी? हेलो फ्रेंड, जय श्री राधे, जय जय श्री श्री कृष्णा कृष्णा। सभी को। और ठाकुर जी की कृपा भाई आप पर हमेशा बनी रहे, क्योंकि आज है नई नई साल लग चुकी है, तो बस ठाकुर जी की साल भर बरसती रहे कृपा आप पर। और ये हमारी साक्षी हैं, ये हो चुकी हैं रेडी, तो ये जा रही है अपने स्कूल, क्योंकि आज इनके स्कूल में पार्टी नई साल की। और तो बस ये बताएंगे आज इनसे क्या है, क्या इन बताएंगी? कुछ नहीं, आपको ढेर सारी बधाइयां नए साल की और तो ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ ठीक है। बस काम निपटा लेते हैं भाई। काम तो हर साल करना ही है, घर का झाड़ू पोछा वो तो पुराने साल में भी करना है, नई साल में भी करना है, तो बस तो वही है। चलिए अभी मैं निकलती हूँ, बाय। 8:20 हो चुके हैं। और देखिए भाई, हम आ चुके छत पर, तो हमें यहाँ बस झाड़ू लगाना है। तो यहाँ देखिए बस आग वगैरह जलाते हैं अभी बच्चे, क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा है। हाँ ठंडी है, मतलब इतनी सर्दी है और धूप बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए मतलब अभी 9 बजे का टाइम है, कैसा मौसम है अभी। तो यहाँ बस झाड़ देते हैं हम, ये कचड़ा वगैरह फैल जाता है, आग वाग जलाते हैं यहाँ। तो बस इसी झाड़ने आई हुई थी मैं। और देखिए हम दिखाते हैं आपको, तो इतना मौसम है, मतलब अभी भी उस टाइप की है, मतलब हल्की हल्की। ये देखिए मतलब हमारे सामने ये पहाड़ है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है ये। तो ये देखिए मतलब ओस टाइप की हो, अभी भी टपक रही है। मौसम काफ़ी 4-6 दिन हो गए, मैं 4-5 दिन हो गए, 4-5 दिन से बिल्कुल भी धूप नहीं आई, ऐसा ही मौसम रहता है। और चलते हैं हम बस नीचे यहाँ से। और देखिए बस हमने नहा लिया, तो बस सुबह का सारा काम निपटाया, झाड़ू पोछा। तो भाई हम औरतों को तो नई साल हो या पुरानी, घर का काम तो करना ही है। तो बस सुबह का हमने सारा काम निपटाया, झाड़ू पोछा, चाहे नई साल हो चाहे पुरानी, तो झाड़ू पोछा घर का काम तो करना ही है। तो हम औरतों को और इली लिया हमने जल का लोटा, तो पहले चलते हैं हम सूर्य भगवान को जल अर्पित करने, क्योंकि भाई हमारी शुरुआत सूर्य भगवान से ही होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि हमें सुबह से वो प्रकाश देते हैं। तो सुबह उठ के पहले हमें सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शुरुआत सूर्य भगवान से ही रहती है। तो बस थोड़ी सी मैंने लोटे में रोरी डाल लेते हैं, थोड़ी सी चावल, तो पहले सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे। और चलते हैं, ठाकुर जी की पूजा हमारी हो चुकी थी, तो सुबह हमारे बड़े वाले बेटे ने पूजा कर दी थी, तो बस पहले हम ऊपर चलते हैं। और यहाँ बस गीता का पाठ कर लेते हैं, तो अक्सर मैं करती हूँ गीता का पाठ, तो बस पाठ कर लेते हैं। तो भाई हमें गीता के पाठ से काफ़ी ज्ञान मिलता है। और अगर आप लोग नहीं करते हो तो आप लोग एक बार करके देखिए, पढ़ के देखिए गीता को, काफ़ी लाभ रहता है गीता से। तो बस पाठ हमारा हो चुका है, ठाकुर जी को मतलब सुबह हमारा भोजन हो गया, बस ठाकुर जी के लिए बनाएंगे थोड़ा सा। अब चलते हैं हम किचन में। और बस किचन में आ गए, तो बस ठाकुर जी के लिए बना लेते हैं हलवा हम भोग के लिए। यहाँ बस मैंने कढ़ाई रख ली। और बस ठाकुर जी के भोग के लिए बनाएंगे हम सूजी का हलवा, तो थोड़ा सा घी डाल लेते हैं 2 चम्मच। और यहाँ डालेंगे हम आधा कटोरी सूजी, तो बस इसे अच्छे से भूंजेंगे। और यहाँ डालेंगे हम 2 चम्मच बेसन इसमें, तो बेसन से क्या है अच्छा सा खाने में टेस्ट आता है और हलवा भी हमारा अच्छा लगता है। तो बस 2 चम्मच मैंने बेसन डाल लिया इसमें। और अब हम अपने रवा और बेसन को अच्छे से भून लेते हैं, तो इसे हमें ब्राउन सा बना भूनना है।
ये देखिए हल्का सा ब्राउन हो चुका है ये, थोड़ा सा और भूंजेंगे इसे। और देखिए हमारा भुन चुका है, और अब डाल देते हैं हमारे ये थोड़ी सी मेवा इसमें, तो काजू है, थोड़ी सी बादाम है, तो बस इनको इनको भी थोड़ा सा इसमें गरम है अभी हमारा, तो बस इसके साथ ये भुन जाएंगे मेवा भी। और अब डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा करके पानी, तो चलाते जाएंगे पानी को डालते जाएंगे जिससे हमारे गुठले ना पड़े इसमें। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैंने पानी डाल दिया इसमें, और अच्छे से चला देते हैं इसको अब। और थोड़ा सा पानी और डालेंगे इसमें, तो क्योंकि अभी हमारा रवा इसमें फूलेगा। और एक कटोरी डाल देते हैं चीनी इसमें, और चला देते हैं बस अच्छे से इसको, तो वह अभी 2 मिनट में बस हो जाएगा। और ये हमारा आधा कटोरी है बुरादा नारियल का, तो इसको भी डाल देते हैं, इससे अच्छा सा टेस्ट और अच्छा सा लगता है खाने में। और थोड़ी सी डाल देते हैं इलायची पाउडर इसमें, तो इलायची को मैंने थोड़ा सा पीस लिया था दरदरा सा। और ये हमारा रवा रेडी हो गया है, तो बस ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए पहले हम ठाकुर जी का भोग लगाएंगे, तो बस ले चलते हैं उनके लिए। और बस थोड़ी सी तुलसी रख देते हैं भोग में, तो देखिए हमें ठाकुर जी का भोग किस तरह लगाना चाहिए, भोग को रख के कैसे बोलना चाहिए। हाँ बस रख देते हैं हमारे ठाकुर जी, और बस क्या देते हैं भाई, आइए ठाकुर जी भोग लगाइए। मेरे ठाकुर जी आइए, मेरे हलवा का भोग लगा जाइए। मेरे राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, प्रभु पाओ। और बस ठाकुर जी का भोग लगा दिया हमने, बस अब बच्चों को दे देते हैं ठाकुर जी का अभी हम दिया है, प्रसाद में बांट देंगे थोड़ा। और यहाँ बस, और बस हलवा को दे देते हैं सबको। और देखिए बस बैठ चुके हम, भाई शाम हो चुकी है, हमें सर्दी इतनी है, हमारे आंसू ने जला ली थी आग यहाँ। देखिए हमारे आंसू में बड़ा शौक है आग जलाने का, और साक्षी भी आ गई थी अपनी पार्टी करके स्कूल से, ये भी आ गई थी पार्टी करके, तो बस ये भी बैठ गई, हम भी बैठ गए। वो बस थोड़ा बाहर आए, इतनी ठंडी है, मतलब कोहरा देखिए अभी, मतलब इतना सारा कोहरा भाई हमारे यहाँ, कोहरा मतलब पहाड़ दिख भी नहीं रहा बिल्कुल भी, कोहरा इतना सारा कोहरा है, अभी से कोहरा आ गया। क्या बन रहा है? और बस हम लोग बस सावन पर चलते हैं, बना रही हूं मैं, इतनी सारी ठंड है, हवा चल रही है। आज पार्टी के को मैं फोन में दे दूं, हमारी बात करने में चुक गई, साक्षी कर रही है बात, सहेली का आ गया इनकी का फोन, क्या कह रही है। और हम चलते हैं अंदर, ये धुआं होने लगा, इतनी सारी पार्टी चलना, पार्टी दे रही है, कौन दे रही है पार्टी, ये सब लगा हुआ है और कुछ नहीं, बस कर रो। और देखिए भाई धुआं, इतना सारा धुआं हो रहा है, तो ये धुआं हो रहा है, बंद कर दे। देख दे क्या गई जी, जी भैया जाए, बड़ा शौक है वीडियो में आने का है, जे वीडियो इतने पकड़ तो कर रही, बन गई चल रही, ले आ जा वो बच्चा, जिन छोरा छोरी जे जिन साले ने बड़ा शौक है, जे देख जे जो कहते हमें ले लो बस, और किसी को नहीं, हमें ले लो, जिन्हें हाथ करके रख दो बस, ले ली, अब कहाँ जा रहा है, इधर जाए बुआ, बड़ा शौक है जाए, सच में बाने मोबाइल पकड़ो।
और भाई इतनी ठंडी है बहुत ज्यादा, किचन में आ गए थे हम बस बाहर से, पहले बना लेते हैं हम चाय, चाय पी लेते हैं काफी, ये हवा चल रही है ठंडी ठंडी, बाहर इतना कोहरा है, और बस खाना बनाएंगे अभी हम, तो बस वीडियो को एंड करते हैं यहाँ ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।